सामाजिक अभियुक्ति विधि की बात करते हैं आप इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ये परंपरागत शिक्षण के लिए के विपरीत शिक्षण विधि है। परंपरागत रूप से, परंपरागत में क्या होता है, हम बुकें ली, बुक्स लिया, बच्चों पढ़ो, ये करो वो करो, ये परंपरागत हो गया जिसमें बालक को अपनी पूर्ण अभियुक्ति का अवसर दिया जाता। अब इस सामाजिक अभियुक्ति में ये है कि बच्चों को जो है अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति यानी कि उसका अवसर दिया जाता है बोलने का, विचारने का, अपनी बात रखने का। सामाजिक अभियुक्ति विधि विद्यालय का एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का समूह में पहल करने, समूह सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व निर्वाह करने तथा सामाजिक हितों की रक्षा करने और रुचियों को ध्यान रखने के माध्यम से क्या किया जाता है, सामाजिकरण किया जाता है। एक तरह के सामाजिकरण किया जाता है उसका, कि उसको कोई नेतृत्व दिया जाता है, भूमिका दे दी जाती है, ठीक है, उसे ग्रुप में काम दे दिया जाता है इस तरीके से। अब शिक्षा शब्दकोश के अनुसार बात करें तो सामाजिक अभियुक्तिकरण का अर्थ है समूह क्रियाओं में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा उनकी अधिगम प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य रुचियों को प्रेरित करना और विचारों को व्यक्त करने से है। ये कौन कहता है, ये शिक्षा शब्दकोश के अकॉर्डिंग है। अब सामाजिक अभियुक्ति विधि के उद्देश्य क्या है उनकी बात करते हैं। विद्यार्थियों में जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की योग्यता का क्या करना, विकास करना, ताकि वो क्या है अपना जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है उसका निर्वाह कर सकें और इन फ्यूचर में जो है इसे सीख सकें। अध्यापक और बालक के मध्य सामाजिक दूरी को कम करना, बालकों के स्वतंत्र यानी कि बालकों में स्वतंत्र व ज्ञान चिंतन की योग्यता का विकास करना, विचार अभियुक्ति के अवसर देना। अब सामाजिक अभियुक्ति विधि का व्यापक अर्थ देखें, बड़े तौर पे या फिर विस्तार तौर पे देखें तो ऐसा कक्षा कक्ष कार्यक्रम जिसके अंतर्गत सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को प्रदर्शित किया जाता है तथा व्यक्ति अपनी मौलिक विचारों अभियुक्ति करता है, इसे ही जो है सामाजिक अभियुक्तिकरण कहते हैं। यानी कि बड़े तौर पर यह बात करें कि ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उसे अवसर दिया जाता है कि अपने जो विचार हैं, अपनी जो चेतना है, अपने जो मौलिक विचार हैं उसकी अभियुक्ति करें, ताकि क्या हो सके, सामाजिक अभियुक्तिकरण हो सके, सामाजिकरण हो सके। सामाजिक अभियुक्तिकरण के दो वर्ग रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बात करें, अनौपचारिक वर्ग रूप, दूसरा है औपचारिक वर्ग रूप। तो सबसे पहले देखें अनौपचारिक वर्ग रूप के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती। अनौपचारिक के तौर पे ये कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, यानी कि ये सब पूर्व नियोजित नहीं होता, व्यवस्थित योजना नहीं होती, अर्थात ये पूर्व निर्धारित नहीं होती। इसमें छात्र तथा अध्यापक किसी भी समस्या पर बिना किसी योजना के अपने विचार अभियुक्त करते हैं, कि पहले से नहीं बताया जाता, पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती, ऐसे ही एकदम आया कि चलो प्रोग्राम बनाते हैं और एक समस्या पर बोल दिया कि इस पर आप अपने विचार स्पष्ट करें या फिर अपने विचार रखें। अब बात करते हैं औपचारिक वर्ग रूप क्या है औपचारिक तौर पे, तो इसके अंतर्गत जो है छात्र निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी कार्रवाई करता है, यानी कि निर्धारित नियम होते हैं, प्लानिंग होती है पूरी, संपूर्ण क्रियाविधि जो है पूर्व निर्धारित होती है, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है कि इतना टाइम रहेगा, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा, आपको इन नियमों के अंतर्गत बोलना है, ये सब पहले से डिसाइड रहेगा औपचारिक वर्ग रूप के अंतर्गत। इसमें छात्र बिना अध्यक्ष की अनुमति के अपने प्रस्ताव, विचार तथा सुझावों को व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसमें जो है जब विचार रखते हैं तो इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष की अनुमति के बिना आप बोल भी नहीं सकते ना अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। अब जो संपूर्ण कार्रवाई है वो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए संपन्न की जाती है, अध्यक्ष जो बनाया जाता है उस समय उस कार्यक्रम का, उनको संबोधित करते हुए सारे जो है सुझाव या फिर जो कार्यक्रम होता है उनको संबोधित करते हुए किया जाता है। अब आगे के वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक के अंदर कौन कौन से जो विधियां आती हैं उन कार्यक्रमों की बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।